सो गाइस गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आप लोगों के बीच में दोस्तों बात करने वाला हूँ बैटलशीट एआई वैलेट के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों के बीच में ये बताने वाला हूँ बैटलशीट एआई के अंदर किस तरीके से बीएस टोकन को हम लोग विड्रॉल कर पाएंगे, वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, सो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करो, ध्यान से अगर देखोगे ना तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ में आएगा। यहाँ पर दो तरीके से आपको बताने वाला हूँ बीएस टोकन को आप लोग विड्रॉल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता दिया दोस्तों, यदि आप बीएस टोकन को विड्रॉल करना चाहते हो, बीएस टोकन के अंदर जो है दोस्तों उसको विड्रॉल करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। वो एड्रेस कौन सा दोस्तों उसके बारे में भी बात करेंगे, और एक एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, वो एक्सचेंज कौन सा उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के अंदर दोस्तों बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन कर लेना है। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने अपने मोबाइल के अंदर बाइनेंस एक्सचेंज को ओपन कर लिया। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, वैलेट का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं वैलेट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलेट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आएगा। जैसे आप वैलेट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा दोस्तों ओवरव्यू का, सेकंड आपको मिल जाएगा स्पोर्ट का। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों ध्यान से देखना, अब कुछ नहीं दोस्तों आपको स्पोर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। कहां पर क्लिक करना है, स्पोर्ट वाले सेक्शन में आपको आ जाना है। जैसे आप स्पोर्ट वाले सेक्शन में आओगे ना यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों डिपॉजिट का, कुछ नहीं डिपॉजिट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप डिपॉजिट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे ना तो ऊपर आपको एक सर्च बार मिल जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखना। ठीक है, और नीचे आपको क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर जो ऊपर आपको सर्च बार मिलेगा दोस्तों यहां पर सीधे सीधे सर्च करना है यूएसडीटी। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी यहां पर सर्च कर लिया यूएसडीटी। नीचे आपको यूएसडीटी मिलेगा दोस्तों, कुछ नहीं इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तुरंत आपको चूज नेटवर्क का एक ऑप्शन खुलकर आएगा। दोस्तों आप किस नेटवर्क के थ्रू इसको विड्रॉल करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है भैया, एकदम नीचे चले आना है, वहां पर एक एड्रेस मिलेगा TRC20 ट्रोन TRC20। ठीक है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप दोस्तों क्लिक करेंगे ना तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से QR कोड मिल जाएगा। फिर वहीं पर नीचे अगर आप आएंगे दोस्तों वैलेट एड्रेस आपको मिल जाएगा, यहां पर कॉपी का ऑप्शन होगा दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये एड्रेस कॉपी हो जाएगा और नीचे आपको नेटवर्क शो होगा दोस्तों TRC20 का। नेटवर्क को बिल्कुल भी ध्यान से देख लेना, तभी टोकन को जाकर आप विड्रॉल करने के प्रोसेस के बारे में सोचना। ठीक है, तो चलो दोस्तों यहां पर सबसे पहले जो एड्रेस दिखा रहा है इसको यहां पर कॉपी का जो ऑप्शन हो रहा है इस पर क्लिक करके मैंने एड्रेस को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद दोस्तों इस टोकन को कैसे आप विड्रॉल कर पाएंगे, सपोज करिए यहां पर मेरे पास 100-150 या अभी 4 यूएसडीटी है, तो इसको कैसे आप विड्रॉल करेंगे, तो यूएसडीटी वाले सेक्शन पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यूएसडीटी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एकदम नीचे चले जाएंगे तो यहां पर एक विड्रॉल का ऑप्शन होगा। कुछ नहीं दोस्तों, विड्रॉल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जो एड्रेस अभी आप लोगों ने कॉपी किया था भैया उसको लाके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देखो मैंने एड्रेस को ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जो अभी एड्रेस मैंने कॉपी किया है। ठीक ना, और यहाँ पर टोटल अमाउंट में देखेंगे $4.53 मेरे पास यूएसडीटी है यहाँ पर। ठीक ना, यानी मोटी मोटा बात करेंगे $4.50 यूएसडीटी मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और टोटल देखो यहाँ पर विड्रॉल कितना लगेगा, मिनिमम $2 का विड्रॉल आप लगा सकते हैं, अदरवाइज मिनिमम $2 से नीचे करेगा तो भैया बिल्कुल भी आपका विड्रॉल नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर कुछ नहीं दोस्तों, जितना मेरे पास टोकन है 4.5322 है दोस्तों, तो मैंने ऑलरेडी यहां पर डाल दिया जितना टोकन यहां पर डाल दिया। अब यहां पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इंटर पासवर्ड का, कुछ नहीं दोस्तों ऑलरेडी जब आप लोगों ने अकाउंट को क्रिएट करा था उस टाइम जो पासवर्ड डाला था दोस्तों उसी पासवर्ड को आपको यहां पर डाल देना है। तो चलो जो भी मेरा पासवर्ड यहां पर सबसे पहले डाल लेता हूं दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहां पर पासवर्ड डाल लिया। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फीस $1, यानी देखो TRC20 के अंदर जब भी आप यूएसडीटी TRC20 $1 का फीस तो बिल्कुल भी कटेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर मोटी मोटा एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप यूएसडीटी को विड्रॉल करने जाओ TRC20 पर तो वहां पर $1 से $2 का एक्स्ट्रा आप टोकन रख लीजिएगा, ताकि आप जब विड्रॉल करने के लिए जाएंगे तो वहां पर $1 का यूएसडीटी कटेगा पक्का। ठीक है, यहां पर देखो $1 फीस में यूएसडीटी लग जा रहा है। अब नीचे यहां पर टोटल आपका कितना टोकन विड्रॉल होगा, 3.53, यानी $3.50 मेरा ऑलरेडी विड्रॉल होगा। तो क्या करना है दोस्तों, यहां पर कंफर्म ट्रांजेक्शन आउट वाली सेक्शन पे आपको जैसे क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके वैलेट पर, यानी जहां से आप लोगों ने TRC20 को ओपन किया था वहां से एड्रेस कॉपी किया था उसी एड्रेस पर बाइनेंस के ऊपर ऑटोमेटिक 24 घंटे के अंदर किसी भी टाइम 5 मिनट 10 मिनट हो सकता है 24 आवर्स का भी टाइम लग जाए, 24 घंटे के अंदर आराम से आपका टोकन विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कंफर्म ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। अब यहां पर आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूं बीएस टोकन को कैसे हम विड्रॉल कर पाएंगे उसके बारे में। ठीक है, अब देखो मोटी मोटा भाषा में आप लोगों को बता देने वाला हूं दोस्तों,
बीएस टोकन को विड्रॉल करने के लिए मिनिमम आपको $100 का यहां पर इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों ट्रेड का, कुछ नहीं भैया ट्रेड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ट्रेड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो $100 कहां पर और किस जगह इन्वेस्टमेंट करना वो ध्यान से समझ लो। यहां पर देखो यूएसडीटी में कर सकते हो, चाहे आप TRC20 के अंदर यानी ट्रोन के अंदर कर सकते हो। तो सपोज करो मैं यहां पर यूएसडीटी के अंदर करना चाहूंगा तो यूएसडीटी वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यूएसडीटी वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो यहां पर आपको मिल जाएगा USDT 2.0 इंटेलिजेंट ट्रांजेक्शन। यहां पर आपको कितना मिलेगा बेनिफिट वो ध्यान से देख लो। यूएसडीटी क्वांटिटी $100 अगर आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है ये मिलेगा 24 मंथ तक यानी 24 मंथ तक। अब यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इनकम 0.5% पर डे आपको मिलेगा। और एक चीज नोट करना दोस्तों, हर महीने अगर मान लीजिए आज आपने यहां पर 100 यूएसडीटी लगा दिया है, पर मंथ आपको 15% का बिल्कुल भी फ्री में टोकन मिलेगा। यानी सपोज करिए एक महीने में आप लोगों ने 100 यूएसडीटी को लगा दिया, 100 यूएसडीटी अगले महीने अगर आप देखेंगे तो वही 115 यूएसडीटी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको 15% मंथली मिलेगा दोस्तों। कुछ नहीं दोस्तों इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो जितना यूएसडीटी आपको यहां पर डिपॉजिट किए होंगे उतना ट्रेड स्टार्ट वाले सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहां पर आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसका बेनिफिट ये रहेगा दोस्तों पर मंथ आपको 15 यूएसडीटी बिल्कुल भी फ्री मिलेगा, 100 यूएसडीटी आप लगा देते हैं। और दूसरी बात यहां पर आपको बताने वाला हूं, सबसे बड़ी बेनिफिट ये है दोस्तों, जैसे यहां पर 100 यूएसडीटी लगाते हैं दोस्तों उसके 10 दिन बाद, जैसे आज आपने लगा दिया दोस्तों, आज से 10 से 11 दिन बाद दोस्तों यहां पर 15 से लेकर 149 टोकन पर डे बीएस टोकन आप विड्रॉल कर सकते हैं। 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी बीएस टोकन पर डे विड्रॉल कर पाएंगे दोस्तों। ये इनकी कंपनी का कुछ रूल और रेगुलेशन है, यानी बेटल सीड के वैलेट का कुछ रूल और रेगुलेशन है दोस्तों। सबसे खास बात ये है दोस्तों कि ये नहीं ये चाहते हैं कि डायरेक्टली आप इनके टोकन को उसी तरीके से जाकर विड्रॉल करें। अगर अदरवाइज उसी तरीके से जाकर आप अपने टोकन को सभी लोग विड्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो इनकी प्राइस दिख रही है वो और भी लो हो जाएगी, यानी पंप की जगह डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, अभी करेंट टाइम में जो प्राइस चल रही है 0.0355 चल रही है दोस्तों, ये डंप होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी काफी लोगों ने अभी भी टोकन यहां पर विड्रॉल करना स्टार्ट कर दिया है। अगर ये फ्री में आप लोगों को देना स्टार्ट कर देंगे ना भैया तो ऑटोमेटिक इसकी प्राइस जो जीरो में हो जाएगी दोस्तों, मेरी बात समझो। इसके वजह से क्या ये थोड़ा सा पेड रख दिए हैं, हो सकता है जब बड़े-बड़े एक्सचेंज के ऊपर ये टोकन लिस्ट होना तो ऑटोमेटिक क्या होगा दोस्तों ये फ्री में आपको विड्रॉल देना हो सकता है स्टार्ट कर दें। अभी आपको मैं आपको इनकी तरफ से एक अपडेट भी आया उसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाला हूं। और यहां पर लगभग 7 मई को एक अपडेट आया दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, कांग्रेचुलेशन टू द ऑफिशियल लॉन्च बीएस टोकन क्वाइन ऑन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। यानी कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं दोस्तों कि जो बीएस टोकन है दोस्तों हम एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च करने जा रहे हैं, और वो कौन सा एक्सचेंज है दोस्तों, माइन स्ट्रीम एक्सचेंज है दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी आपको दे दिया दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टमेंट के भी टोकन विड्रॉल कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको 2-3 साल 5 साल वेट करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर अभी आप पर डे यानी कुछ ना कुछ टोकन विड्रॉल करना चाहते हैं तो भैया कम से कम आपको मिनिमम $100 यहां पर डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आप विड्रॉल कर पाएंगे। आज जैसे $100 डिपॉजिट कर देते हैं तो 15% का पर मंथ आपको बेनिफिट मिलेगा, ये तो अलग से मिलेगा, और 15 से 20 टोकन जो पर डे बीएस टोकन विड्रॉल होगा वो भैया अलग होगा, ठीक ना। मैंने ऑलरेडी आपको ये तरीका बता दिया किस तरीके से आप लोग बीएस टोकन को विड्रॉल कर पाएंगे, और यहां पर यूएसडीटी किस तरीके से आप विड्रॉल या डिपॉजिट कर पाएंगे वो भी तरीका आपको बता दिया। सो गाइस अगर वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।